हेलो स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले वाली वीडियोस को ध्यान से पढ़ा होगा और चैप्टर को भी रिवाइज किया होगा यहाँ तक। अब हम आज लास्ट हम वीडियो में हमने बात की थी केमिकल चेंजेस के बारे में। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिनमें आपका कोई न्यू सब्सटेंस बन के आता है, जैसे कि आप लकड़ी को जलाते हैं तो ऐश और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो जब कोई भी केमिकल चेंज आपके आसपास होती है तो उसमें कुछ केमिकल्स जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शंस को हम जब हमें स्टडी करना है तो हमें इनको जो भी उस सब्सटेंस में केमिकल्स थे उनको हम उनके केमिकल फॉर्मूलाज लिखते हैं और उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में जो है पेपर पे लिख सकते हैं समझने के लिए। इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पहले पढ़ रखी है, तो वाटर की इक्वेशन आपने अभी इस चैप्टर में भी पढ़ी और पहले भी पढ़ रखी है, और भी बहुत सारी इक्वेशंस आपने अभी जब केमिकल फॉर्मूला हम समझ रहे थे और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन समझ रहे थे तो हमने पढ़ी थी। तो जो हमारी केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं उसमें उसके लेफ्ट साइड पे हम लिखते हैं केमिकल रिएक्टेंट्स, जो केमिकल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनके नाम लिखते हैं, और राइट हैंड साइड पे एरो लगाने के बाद हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स जो बन के आया, जो न्यू सब्सटेंस हमारा बना उनके फॉर्मूलास। तो आज हम जो है केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 38। जब केमिकल इक्वेशन हमें लिखनी होती है तो हम जो है सबसे पहले तो हमें उसके केमिकल फॉर्मूला लिखना है। जैसे कार्बन के लिए हम सी लिख रहे हैं, लेकिन आप सोचोगे एस क्या है, जी क्या है। तो कार्बन यानी कि जब हमने कार्बन जो है सॉलिड स्टेट में लिया, सॉलिड के लिए हम एस लिखते हैं ब्रैकेट में, गैसेस के लिए जी और लिक्विड्स के लिए एल। तो उनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं जो कि बता रहे हैं कि ये हमने जो सब्सटेंस लिया, जो रिएक्टेंट लिया है वो हमारे किस स्टेट ऑफ मैटर में है, सॉलिड लिक्विड या गैसेस। इसी तरह से अगर हमारे जो हमारा प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो क्या है उसके आगे भी हम लिखते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो, या हम उसका सॉल्यूशन लेते हैं पानी में मिक्स करके, तो हम उसके आगे लिखते हैं ए क्यू। ए क्यू मीन्स एक्वस सॉल्यूशन। अब हम ने एक एग्जांपल तो देख लिया केमिकल इक्वेशन का, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की। ये जो केमिकल इक्वेशंस हम जब लिखते हैं तो हमने जितना उसमें रिएक्टेंट लिया है उतना ही हमारा प्रोडक्ट भी होना चाहिए, यानी कि हमारी जो राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए। उसमें जो एटम्स हमने लिए या जो हमने उसमें जो हमारे जितने मॉलिक्यूल्स हमने लिए हमारे वो दूसरे साइड पे भी उतने ही होने चाहिए। इसको हम हमें बैलेंस करना होता है केमिकल इक्वेशन में। अगर वो पहले से बैलेंस है देन इट इज ओके, और अगर वो बैलेंस नहीं है तो उस केस में हम उसमें कोफिशिएंट लगा के जो है उस इक्वेशन को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को बैलेंस करते हैं। अब हम देखेंगे कैसे। जैसे कि ये वाटर की हमारे एग्जाम्पल है, इसमें हमारे हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं और प्रोडक्ट हमारा बन के आ रहा है H2O। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम्स थे तो यहाँ पे तो एक ही रह गया वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो इसका एक ऑक्सीजन कहाँ गया। हम इस तरह से इक्वेशन नहीं लिख सकते। अगर हमारे दो दो ऑक्सीजन है तो हमें दो ही लिखने हैं, तो उसके लिए अब हमने एक कोफिशिएंट लगाया यहाँ पे टू, यानी कि टू एच टू ओ टू। अब हमारे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, इधर भी टू ऑक्सीजन है, इधर भी टू ऑक्सीजन हो गया, मगर हाइड्रोजन जो है
वो हमारे इधर हाइड्रोजन जो है वो टू इंटू टू फोर हो गया, और इधर जो हाइड्रोजन है वो हमारा टू ही रह गया। तो अब हमें इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के आगे भी कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा, जैसे कि हमने नेक्स्ट स्टेप में आपको दिखाया हुआ। हमने दो हाइड्रोजन लिया, ठीक है, और उसके साथ ऑक्सीजन का एक लिया, और उसके बाद हमने जब इसको लिखा तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया, यानी कि 2H2 plus O2 is equal to 2H2O। अब हमारी जो इक्वेशन है वो हमारी बैलेंस हो गई। इसी तरह से हम और भी इक्वेशंस के एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे सोडियम हमने दो लिए, क्लोरीन दो लिए, और हमारा जो रिएक्ट प्रोडक्ट निकल के आया वो 2NaCl। ऐसे हमने नेक्स्ट इक्वेशन को भी किया है। आप और भी इक्वेशंस को इस तरह से बैलेंस करने की प्रैक्टिस करेंगे घर में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। अब केमिकल रिएक्शन जो है वो कितने जो है चार तरह के होते हैं। सबसे पहला हम केमिकल रिएक्शन जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन। तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें टू और मोर सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं, जैसे कि आपका ये देखिए वाटर का हाइड्रोजन, वाटर का हमने एग्जांपल लिया, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जब ज्वाइन हुए तो दे फॉर्म्ड 2H2O। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारे ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट जो है वो आपस में कंबाइन हुए, देन इट फॉर्म्ड जॉइंट टू फॉर्म ए एंड बी। इस रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे कि आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हुए टू फॉर्म अमोनिया। तो जैसे कि वो अपने आप ही कॉम्बिनेशन बता रहा है कि कंबाइन होना। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन। जब कोई भी चीज को हम किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हैं तो दैट फॉर्म्स द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल है ब्रेकिंग अप ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। अपने आप तो नहीं ब्रेक होगा तो हमें इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा। तो जब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो हम यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला लिख रहे हैं, और हम एरो के ऊपर जो भी हमने यूज किया उसको ब्रेक करने के लिए, जैसे हमने इस केस में इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया, जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो इट चेंज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि वो डिकम्पोज हो गया, ब्रेक हो गया। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अनदर एग्जांपल इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, ये हमें मार्केट में भी अवेलेबल होता है। उसको जब हम हीट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है क्विक लाइम, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो ब्रेक हो रहा है, दैट इज नोन एज केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज योर वन एक्टिविटी यू हैव टू डू। हियर यू कैन सी द डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, आपको एग्जाम में आ सकते हैं। 2Mg plus O2 is equal to 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
दिस इज द सिंबॉलिक ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ए और बी एक रिएक्टेंट था जिसको ब्रेक करके हमने ए और ए को अलग कर दिया, बी को अलग कर दिया. ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, अदर देन योर बुक एग्जांपल्स. जैसे फेरिक ऑक्साइड इज कन्वर्टेड ड्यू टू हीट, ये हीट का सिंबल है, फेरिक ऑक्साइड इनटू एंड वाटर. नाउ इज द नेक्स्ट इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये आपको इसका एक्टिविटी जो है ये आपको आपकी बुक में भी दी हुई है. डिस्प्लेसमेंट मीन्स किसी को किसी की जगह लेना. जैसे कि आप दो फ्रेंड्स हैं और थर्ड फ्रेंड आए और आपकी जगह पे खुद फ्रेंडशिप कर ले आपके फ्रेंड से और आपको हटा, तो आप दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हमने इसमें आयरन नेल लिया और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया. हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट लेंगे और उसके अंदर आयरन नेल्स को 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे. तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जो हमारा कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो ब्लू से ग्रीन हो गया. दिस शोज दैट योर कॉपर सल्फेट में आयरन जो आयरन सल्फेट बन गया. कॉपर सल्फेट हैज कॉपर रिप्लेस हो गया आयरन से एंड इट हैज फॉर्म आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो गया. यस, हियर द रिएक्शन इज आल्सो गिवन. आयरन सल्फेट, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट. Copper is separated. Fourth type of reaction is your neutralization reaction. Neutralization reaction is the reaction between acid and base. जब आपने कई बार देखा होगा आपको acidity हो रही होती है तो एक medicine आती है diazine, वो दी जाती है. Diazine या pentoside वगैरह देते हैं. ये सब क्या है? They are basic in nature. तो जब आपके आपको लेते हैं तो आपके बॉडी में स्टमक में जाके वो जो एसिड है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं. जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. हियर आर सम एग्जांपल्स गिवन ऑफ एसिड एंड बेस. द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड योर हाइड्रो सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो आपका एसिड है बाय नेम. तो उससे क्या बन रहा है? आपका सोडियम क्लोराइड. ये एक एक्वस सॉल्यूशन है तभी इसके ब्रैकेट में एक क्यू लिखा हुआ. एंड वाटर इज रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. व्हेन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड it gives you magnesium sulfate and water. Water is released. Now your chapter is finished. You go through the keywords. सभी keywords हमने अपने videos में आपके साथ discuss किए हैं. इनकी definitions हैं. इनको learn कर लीजिएगा. It comes like define and all. ये आपका short notes हैं. Then we are going to study about its exercises in our next video. We'll study about the exercises, book exercises in next video. So be ready with that.